हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित में। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर आसानी से घर बैठे रीजनिंग सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में घंटी को भी दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो। प्रश्न एक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को TCQIQT लिखा जाता है तो डाइजेस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रिप्ट का कोडिंग किस तरह से किया हुआ है। स्क्रिप्ट का कोडिंग किस तरह से किया हुआ है, SCRIPT स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का कोड है TCQIQT TCQIQT। सबसे पहले हम इसका नंबर देते हैं, S19C3R18I9P16T20, T20C3Q17I9Q17T20। S19 है तो T20 लिखा हुआ है एक बढ़ा करके, C3 है तो C3 लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ। R18 है तो Q17 लिखा हुआ है, इसमें एक घटा करके। फिर I9 है तो I9 लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ। P16 है तो Q17 लिखा हुआ है एक जोड़ करके। फिर T20 है तो T20 लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं। ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि पहला में एक जोड़ रहा है फिर कोई चेंज नहीं कर रहा है, फिर एक घटा रहा है फिर कोई चेंज नहीं कर रहा है, फिर एक जोड़ रहा है फिर कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरह से स्क्रिप्ट का कोडिंग किया हुआ है। तो इसी आधार पर हम डाइजेस्ट का कोडिंग करते हैं, DIGEST डाइजेस्ट। पहले नंबर देते हैं ताकि हमें कोडिंग करने में आसानी होगी। D4 I9 G7 E5 S19 T20। सबसे पहले एक जोड़ना है तो D4 4 में एक जोड़ेंगे, पाँच, और पाँच स्थान वाला ई हो जाएगा। फिर कोई चेंज नहीं करना है तो I9 I ही रह जाएगा, नौ स्थान वाला, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं। फिर एक घटाना है, G7 है, सात में से एक छ, छ स्थान वाला एफ हो जाएगा। फिर कोई चेंज नहीं करना, ई पाँच तो ई ही रह जाएगा पाँच स्थान वाला। फिर एक जोड़ना है, फिर एक जोड़ना है तो S19 है, एक जोड़ने के बाद 20, और 20 स्थान वाला टी हो जाएगा। फिर कोई चेंज नहीं करना तो टी ही रह जाएगा। तो इस तरह से डाइजेस्ट का कोडिंग हो जाएगा। प्रश्न दो है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है तो केशव को उसी भाषा में कैसे लिखा जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमोद का कोडिंग किस तरह से किया हुआ है। PRAMOD प्रमोद का कोड है SODSODJRA। सबसे पहले हम इसका नंबर देते हैं, P16R18A1M13O15D4S19O15D4J10R18A1। P16 है तो S19 लिखा हुआ है, तीन आगे बढ़ करके, R18 है तो O15 लिखा हुआ है, तीन घटा करके, A1 है तो D4 लिखा हुआ है, तीन आगे बढ़ करके, M13 है तो J10 लिखा हुआ है, तीन घटा करके, O15 है तो R18 लिखा हुआ है, तीन जोड़ करके, D4 है तो A1 लिखा हुआ है, तीन घटा करके। यानी देखने से पता चल रहा है कि पहला में तीन जोड़ा रहा है, फिर तीन घट रहा है, फिर तीन जोड़ा जा रहा है, फिर तीन घटाया जा रहा है, फिर तीन जोड़ा जा रहा है, फिर तीन घटाया जा रहा है। तो इस तरह करके प्रमोद का कोडिंग किया हुआ है। तो इसी आधार पर हम केशव का कोडिंग करते हैं, KESHAB केशव। सबसे पहले हम इसका नंबर देते हैं, K11E5S19H8A1V22। पहले तीन जोड़ना है, 11 3 14, 14 स्थान वाला एन हो जाएगा। फिर तीन घटाना है, ई पाँच, पाँच में से तीन दो, दो स्थान वाला बी हो जाएगा। फिर तीन जोड़ना है, 19 3 S है S 19 स्थान 19 3 21 21 स्थान वाला यू हो जाएगा। फिर तीन घटाना है, एच आठ है, आठ में से तीन पाँच, और पाँच स्थान वाला ई हो जाएगा। फिर तीन जोड़ना है, ए एक है, एक में तीन जोड़ेंगे तो चार, चार स्थान वाला डी हो जाएगा। फिर तीन घटाना है, भी 22 है, 22 में से तीन जाएगा तो
19 और 19 स्थान वाला एस हो जाएगा। तो इस तरह से केशव का कोडिंग हो जाएगा। प्रश्न 3 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेंगलोर को CZOFBKPQF लिखा जाता है तो चंडीगढ़ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंगलोर को किस तरह से कोडिंग किया हुआ है। BANGALORE, BANGALORE इसका कोड है CZOFB, CZOFB, KPQF, KPQF, CZOFB, CZOFB, KPQF, KPQF। सबसे पहले हम नंबर देते हैं, B2 A1 N14 G7 A1 L12 O15 R18 E5 C3 Z26 O15 F6 B2 K11 P16 Q17 F6। ध्यान से देखते हैं, B2 है तो C3 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके। A1 है तो Z26 लिखा हुआ है, एक घटा करके यानी पीछे की तरफ है। N14 है तो O15 लिखा हुआ है, N14 है तो O15 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके। G7 है तो F6 लिखा हुआ है, एक घटा करके। A1 है तो B2 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके। L12 है तो K11 लिखा हुआ है, एक घटा करके। O15 है तो P16 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके। PR18 है तो Q17 लिखा हुआ है, घटा करके। E5 है तो F6 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके। यानी देखने से पता चल रहा है कि एक जोड़ा जा रहा है, फिर एक घटाया जा रहा है, फिर एक जोड़ा जा रहा है, फिर एक घटाया जा रहा है, फिर एक जोड़ा जा रहा है, फिर एक घटाया जा रहा है, फिर एक जोड़ा जा रहा है, फिर एक घटाया जा रहा है, फिर एक जोड़ा जा रहा है। इस तरह से बेंगलोर का कोडिंग किया हुआ है। तो इसी आधार पर हम चंडीगढ़ का कोडिंग करते हैं। CHANDI, CHANDI, GARH चंडीगढ़ का कोडिंग करते हैं। सबसे पहले इसका नंबर देते हैं, C3H8A1N14, D4, ये डी है, D4 I9 G7 A1 R18 H8। पहले एक जोड़ना है तो 3 1 4, चार स्थान वाला डी, फिर एक घटाना है, एच आठ, आठ में से एक जाएगा, सात, सात स्थान वाला जी, फिर एक जोड़ना है, ए एक है, एक एक दो, दो स्थान वाला बी, फिर एक घटाना है, एन 13, 13, एन 14, 14 में से एक जाएगा, 13, 13 स्थान वाला एम, फिर एक जोड़ना है, डी चार, चार में एक जोड़ेंगे, पाँच, पाँच स्थान वाला ई, फिर एक घटाना है, आई 9 है, एक घटाने के बाद 8 और 8 स्थान वाला एच है, फिर एक जोड़ना है, जी 7 है, जी 7 है, एक जोड़ने के बाद 8, 8 स्थान वाला एच हो जाएगा। फिर ए एक है, इसमें एक घटाना है, ए एक है, एक घटाने का 26, 26 स्थान वाला जेड हो जाएगा, 26 स्थान वाला जेड हो जाएगा। फिर इसमें एक जोड़ना है, आर 18, 18 एक 19, 19 स्थान वाला एस होगा, एच 8 है, इसमें से एक घटाना है, 8 में से एक 7 और 7 स्थान वाला जी हो जाएगा। इस तरह से चंडीगढ़ का कोडिंग हो जाएगा। प्रश्न 4 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को NXBVQLLQ लिखा जाता है तो रिप्लाई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन का कोडिंग किस तरह से किया हुआ है। QUESTION, QUESTION इसका कोड है NXBV, 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 QLLQ, QLLQ। सबसे पहले इसका नंबर देते हैं, Q17, U21, E5, S19, T20, I9, O15, N14, N14, X24, B2, V22, Q17, L12, L12, Q17, Q17 है तो N14 लिखा हुआ है, तीन घटा करके, U21 है तो X24 लिखा हुआ है, U21 है तो X24 लिखा हुआ है, तीन जोड़ करके, E5 है, ई पाँच है तो बी दो लिखा हुआ है, तीन घटा करके, S19 है तो भी 22 लिखा हुआ है, तीन जोड़ करके, T20 है तो Q17 लिखा हुआ है, तीन घटा करके, I9 है तो
तो एल 12 लिखा हुआ है, 3 जोड़ करके, ओ 15 है तो एल 12 लिखा हुआ है, 3 घटा करके, एन 14 है तो क्यू 17 लिखा है, 3 जोड़ करके। यानी देखने से पता चला है कि एक बार 3 घटाया जा रहा है तो फिर जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है तो फिर जोड़ा, यानी इस तरह से क्वेश्चन का कोडिंग किया हुआ है। तो इसी आधार पर हम रिप्लाई का कोडिंग करते हैं, REPLY रिप्लाई। सबसे पहले हम इसका नंबर देते हैं, कौन कितना स्थान पर है, R18, E5, P16, L12, Y25। पहले हमें 3 घटाना है, तो R18, 18 में से 3 जाएगा 15, 15 स्थान वाला O हो जाएगा, फिर 3 जोड़ना है, E5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 स्थान वाला H हो जाएगा, फिर 3 घटाना है, P16 है, 16 में 3 घटाएंगे तो 13, 13 स्थान वाला M हो जाएगा, फिर 3 जोड़ना है, एल 12 है, 12 में 3 जोड़ने के बाद 15, 15 स्थान वाला ओ हो जाएगा, फिर 3 घटाना है, वाई 25 है, 25 में 3 जाएगा 22, और 22 स्थान वाला भी हो जाएगा। तो इस तरह से रिप्लाई का कोडिंग हो जाएगा। प्रश्न 5 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बड़ी को एपी सीजेड लिखा जाता है तो दिल्ली को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बड़ी का कोडिंग किस तरह से किया हुआ है। BODY बड़ी, बड़ी का कोड है APCZ। सबसे पहले इसका नंबर दे दे ताकि हमें कोडिंग को देखने में आसानी होगा। B 2 है, O 15 है, D 4 है, Y 25 है, A 1 है, P 16 है, C 3 है, और Z 26 है। B 2 है तो A को A 1 लिखा हुआ है, 1 घटा करके, O 15 है तो P 16 लिखा हुआ है, 1 जोड़ करके, D 4 है तो C 3 लिखा हुआ है, 1 घटा करके, Y 25 है तो Z 26 लिखा है, 1 जोड़ करके। यानी देखने से पता चल रहा है कि एक पहले एक घटाया गया है, फिर एक जोड़ा गया, फिर एक घटाया गया, फिर एक जोड़ा गया, और इस तरह से बॉडी का कोडिंग किया हुआ है। तो उसी आधार पर हम दिल्ली का कोडिंग कर देते हैं, DELHI दिल्ली। सबसे पहले इसका नंबर दे देते हैं, D 4, E 5, L 12, H 8, I 9। पहले एक घटाना है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और 3 स्थान वाला सी हो जाएगा, फिर एक जोड़ना है तो 5 1 6, 6 स्थान वाला एफ हो जाएगा, 6 स्थान वाला एफ हो जाएगा, फिर एक जोड़ना है तो एल 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 स्थान वाला एम हो जाएगा, फिर नहीं, एक जोड़ने के बाद फिर एक घटाना है, एल 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11, और 11 स्थान वाला के हो जाएगा, 11 स्थान वाला के हो जाएगा, फिर H 8 है, इसमें एक जोड़ना है तो 8 1 9, 9 स्थान वाला I हो जाएगा, फिर एक घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है और घटाना है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, फिर घटाना है, I 9, 9 में से 1 जाएगा 8, और 8 स्थान वाला H हो जाएगा। तो इस तरह से दिल्ली का कोडिंग CFKIH हो जाएगा। प्रश्न 6 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक को CNPJ लिखा जाता है तो मून को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक का कोडिंग किस तरह से किया हुआ है। BOOK बुक का कोड है CNPJ, CNPJ। सबसे पहले हम नंबर देते हैं ताकि हम इसका कोडिंग देखने में आसानी होगा। B 2 O 15, O 15, K 11, C 3, N 14, P 16, J 10। B 2 है तो C 3 लिखा हुआ है, B 2 है तो C 3 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके, O 15 है तो N 14 लिखा हुआ है, एक घटा करके, O 15 है तो P 16 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके, K 11 है तो J 10 लिखा हुआ है, एक घटा करके। यानी देखने से पता चला कि पहला में एक जोड़ रहा है, फिर दूसरा में एक घटा रहा है, फिर तीसरा में एक जोड़ रहा है, फिर चौथा में एक घटा रहा है। तो इसी आधार पर हम मून का कोडिंग करते हैं, जो प्रश्न 6 में पूछा गया, MOON। सबसे पहले इसका हम नंबर देते हैं, M 13, O 15, O 15 और N 14। पहले एक जोड़ना है तो M 13, एक जोड़ने के बाद 14, 14 स्थान वाला N हो जाएगा, फिर एक घटाना है, O 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, 14 स्थान वाला N हो जाएगा, फिर एक जोड़ना है, O 15, एक जोड़ने के बाद 16, 16 स्थान वाला P हो जाएगा, फिर एक घटाना है, N 14 है, एक घटाने के बाद 13, और 13 स्थान वाला M हो जाएगा। तो इस तरह से बुक मून का कोडिंग हो जाएगा। प्रश्न 7 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टडिंग को RUTXJMH लिखा जाता है तो अदर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टडिंग का कोडिंग किस तरह से किया हुआ है। STUDYING इसका कोड है, RUTEX, RUTEX, RUTEXJMH, JMH, JMH। सबसे पहले इसका नंबर देते हैं ताकि हमें कोडिंग देखने में आसानी हो। S 19, T 20, U 21, D 4, Y 25, I 9,
N14, G7, R18, U21, T20, E5, X24, J10, M13, H8, S19 है तो R18 लिखा हुआ है, एक घटा करके T20 है तो U21 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके U21 है तो T20 लिखा हुआ है, एक घटा करके D4 है तो E5 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके Y25 है तो X24 लिखा हुआ है, एक घटा करके I9 है तो J10 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके N14 है तो M13 लिखा हुआ है, एक घटा करके G7 है तो H8 लिखा हुआ है, एक जोड़ करके। यानी देखने से पता चलेगा पहले एक घटा करके, फिर एक जोड़ करके, फिर एक घटा करके, फिर एक जोड़ करके, फिर एक घटा करके, फिर एक जोड़ करके, फिर एक घटा करके, फिर एक जोड़ करके स्टडिंग का कोडिंग किया हुआ। तो उसी आधार पर हम अदर का कोडिंग करते हैं जो यहाँ पर प्रश्न 7 में पूछा गया है। OTHER, सबसे पहले इसका नंबर देते हैं, O15, T20, H8, E5, R18। पहले एक घटाना है, O15 एक घटाने का 14, 14 स्थान वाला N हो जाएगा, फिर एक जोड़ना है, T20 है एक जोड़ने का 21 और 21 स्थान वाला U हो जाएगा, फिर एक घटाना है, H8 है एक घटाने का 7, 7 स्थान वाला G हो जाएगा, फिर एक जोड़ना है, E5 है एक जोड़ने का 6, 6 स्थान वाला F हो जाएगा, फिर एक घटाना है, R18, 18 में से एक घटाने का 17, 17 स्थान वाला Q हो जाएगा। तो इस तरह से अदर का कोडिंग हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से होगा कि हमें आपसे कॉरेज साहस मिलती रहेगी फिर नए वीडियो बनाने के लिए, और हम आपके बीच नए नए वीडियो लेकर इसी तरह आते रहेंगे।